दिल से कुछ बातें कह रहा हूं और मैं मानता हूं एक ऐसी शुरुआत मैं कर रहा हूं जो उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाली है। और इसलिए मैं कहता हूं आपको जो मिलता है उसमें केंद्र की भूमिका रहती है। केंद्र का जो हिस्सा है हर महीना जो आपको प्रोत्साहन राशि मिलती होगी, किसी को मानधन मिलता होगा, कोई मानदेय मिलता होगा, केंद्र का जो हिस्सा है उसमें बढ़ोतरी करने का हमने निर्णय किया है। सरकार ने तय किया है कि आप जो आशा कार्यकर्ता है जिनको प्रोत्साहन राशि मिलती रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, दो गुना करने का हमने फैसला लिया है। मैं देख रहा हूं आप सब तालियां बजा रहे हैं, आपकी खुशी मैं देख रहा हूं। इतना ही नहीं, सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। यानी दोनों मिलाकर के 4 लाख रुपए का आपका बीमा, यानी 2-2 लाख के तहत आपको आपके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है। आपको इन योजनाओं के लिए आपको 1 पैसे का प्रीमियम नहीं भरना होगा। ये आपके प्रीमियम का खर्च भारत सरकार उठाएगी। कुछ दुखद होने की स्थिति में, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो ऐसी स्थिति में 2 लाख और 2 लाख यानी 4 लाख रुपया आपके परिवार को मिलेंगे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना के माध्यम से पिछले 4 साल में 20 करोड़ गरीबों को सिर्फ 1 रुपये महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर सुरक्षा कवच दिया गया है। आपको तो ये पैसा भी आपको नहीं देना है, वो सरकार देगी। इसके तहत 2 लाख तक का कवर सुनिश्चित किया गया है, यानी कुल मिलाकर 2 लाख। इन योजनाओं के अनेक लाभार्थियों को इसका लाभ भी पहुंचा जा चुका है।